In this video, we'll discuss about Ketu transit over your natal Mercury. आपके बर्थ चार्ट में जो मर्क्यूरी का प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट के ऊपर जब केतु ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये वीडियो उस बारे में है। तो केतु जो होता है किसी भी इंसान का इंटेलेक्ट होता है, बात करने का लहजा होता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, लर्निंग की लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, कितनी जल्दी कितनी क्विकली आप किसी चीज़ को लर्न कर पाते हो, इंटरप्रिटेशन स्किल्स होते हैं, इंटरप्रिट करने का जो तरीका होता है वो होता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि का कारक होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर वो एक्टिविटी जो भी आपके बॉडी में चलती है वो मर्क्यूरी कंट्रोल करता है, तो बुद्धि जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। इसके अलावा आपका स्किन होता है, मर्क्यूरी जो होता है आपके स्किन को कहते हैं, तो जब भी केतु मर्क्यूरी के ऊपर चलता है तो आपके स्किन के ऊपर रैशेज होना, स्किन से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होना, डेढ़ साल के लिए चलेगा और डेढ़ साल के लिए स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में देखने वो आपको मिलेंगे। इसकी जैसे फॉर एग्जांपल एक्जीमा होता है, स्किन रैशेज होते हैं, बॉयल्स होते हैं, कुछ केसेस में देखा गया है कि कॉर्न हो जाता है फीट में, फीट कॉर्न जो होता है, तो जितनी भी चीज़ें जो स्किन के ऊपर एपिडर्मल स्किन एपिडर्मिस में होती है वो सारा का सारा केतु जब भी मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो हो जाता है, फोल्डिंग डेवलप कर देना आपके स्किन के अंदर, इन सर्टन केसेस आपके एसिड अटैक्स भी देखने को मिले हैं, कब, जब मंगल जो है वो सातवीं दृष्टि से मर्क्यूरी को देख रहा है, तो सातवीं दृष्टि से अगर मर्क्यूरी को देख रहा है केतु का ट्रांजिट है और सूर्य वहाँ पर ट्रांजिट कर जाए तो गर्म पानी हाथ पे गिरना, गर्म तेल हाथ पे गिर जाना, या फिर गर्म दूध हाथ पे गिर जाना, या फिर बॉडी के किसी पार्ट पे, या फिर हाथ में जलन हो जाना, इस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं, केतु के ट्रांजिट को देखते हैं ओवर मर्क्यूरी। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है आपकी बॉडी में, तो केतु जब ट्रांजिट करता है मर्क्यूरी के ऊपर तो दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस होता है इलेक्ट्रिकल शॉक्स, कि कहीं ना कहीं से करंट लगेगा आपको। अब ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा कस के, ये डिग्री वाइज वैरी करता है, बट करंट के झटके कहीं ना कहीं से लग सकते हैं आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी आपके बॉडी में। क्यों? क्योंकि केतु जो होता है वो फोल्डिंग डेवलप करता है, अचानक से सडननेस से नेग्लिजेंट कर देता है आपके मर्क्यूरी को, स्किन को नेग्लिजेंट कर देता है आपको, आपके खुद के नेग्लिजेंस की वजह से आपके स्किन पर प्रॉब्लम इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, पहला कॉन्सिक्वेंस कि स्किन पे डिजीज़ होगा, स्किन डिजीजेस कुछ भी, दूसरा कि इलेक्ट्रिकल शॉक, तीसरा स्किन बर्न, वो कंडीशन है जब सन ट्रांजिट करे, मार्स ट्रांजिट करे, मार्स का सातवां दृष्टि हो। चौथा कंडीशन इसका ये है कि आपके पढ़ाई लिखाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंटरप्रिटेशन स्किल, जो आपकी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटिव पार्ट है आपके माइंड की, वो कैलकुलेटिव पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो क्लियरली। फॉर एग्जांपल आपको 10 किलोमीटर चलने में कितनी एनर्जी खर्च का एनर्जी का खपत होगा ये समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप सामान खरीदने जाओगे मार्केट में, बट आप क्या खरीदने, कैसे खरीदने और कितने पैसे में खरीदने हैं ये कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर आप बच्चे हो तो आप आप 1 से लेके 20 साल की उम्र है तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कहीं पे भी बुद्धि को डायरेक्शनलेस एक कहते हैं कि बुद्धि के ऊपर टोपी पहना जाना, तो ये लिटरली यही है कि आपकी जो बुद्धि है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, उसके ऊपर टोपी पहनाया जा चुका है। तो केतु यहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आपकी बुद्धि के लिए, आपके स्किन के लिए। स्किन से रिलेटेड 3 चीज़ें देख ली हमने, हमने स्किन डिजीज़, स्किन बर्न्स और स्किन में इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, आपके बुद्धि के बारे में हमने देखा, एनालिटिकल स्किल्स देखे। इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। हम कम्युनिकेट 3rd हाउस और 9th हाउस को देखते हैं, 3rd हाउस से हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, 9th हाउस से क्या आंसर दे रहे हैं। तो 3rd हाउस और 9th हाउस हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बट कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो हमें मर्क्यूरी से मिलती है।
अगर मर्क्यूरी डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ केतु, तो क्या कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, इस बारे में आपको नहीं आइडिया रह जाता है। किसी को भी कुछ भी बोल देना, ये जनरली देखा गया है कि केतु जब मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, ना चाहते हुए भी कुछ भी बात बोल देता है इंसान। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिट होता है केतु का मर्क्यूरी के ऊपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मैंने एक बात आपको और बता देनी चाहिए इस बारे में कि मर्क्यूरी के ऊपर जब केतु का ट्रांजिट होता है तो स्किन का फटना भी देखते हैं, रूखा सूखा स्किन हो जाता है आपका, कहीं कील लग जाना, कहीं कुछ हो जाना। तो ये स्किन का फटना और स्किन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं, ये सारी की सारी फ्रंट होती हैं जब केतु मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है। केतु का मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके इंटेलेक्ट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। अगर आप लड़की हो एंड यू आर विद इन योर 20s, जब भी केतु मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करे आप लोगों से बात करना छोड़ दो। कब कोई आपकी बातों का बुरा मान जाए ये आप भी नहीं जानते। दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ओल्ड एज एज इन 50 के बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है ये थोड़ा कम हो जाता है। अल्जाइमर के प्रॉब्लम अगर है आपको तो बढ़ा देगा ये, बट अगर 30 से 50 के बीच में अगर हो आप, तो जनरली केतु का मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट आपके नर्व फैक्टर में बहुत प्रॉब्लम करता है। फॉर एग्जांपल, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ जाएगा आपके नर्वस सिस्टम में, अचानक से आप कहीं एक सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन फील करोगे, कहीं एक सर्टन पार्ट ऑफ बॉडी में नंबनेस आ जाएगी। तो पेन और नंबनेस ये दोनों क्रिएट करता है केतु का ट्रांजिट ओवर मर्क्यूरी जब आप 30 से 50 के बीच में हो। मर्क्यूरी जो होते हैं आपके नर्व्स होते हैं, केतु का मतलब वहाँ पे चद्दर चढ़ जाना, तो नर्व्स आपके लिटरली अनरिएक्टिव हो जाते हैं, उनको कुछ फील नहीं होता आपके नर्व्स को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉर्फीन, इसका मतलब है सुन्न करने का इंजेक्शन। हाँ, एक बात मैंने और देखा है कि अगर ये थोड़ा नेगेटिव साइंस में, कुछ ऐसे साइंस में जो कि सजेस्ट करते हैं यू शुड गो ऑन फॉर ड्रग्स, तो इंसान इंजेक्शंस लेने लग जाता है। केतु हमेशा इनवर्ड्स जाता है, तो मर्क्यूरी के ऊपर यू गो इनसाइड, यू गो इंटरनली, और इंजेक्शंस ज़्यादातर ये स्कॉर्पियोज़ के केस में देखा है मैंने। केतु मर्क्यूरी अगर आप स्कॉर्पियो में और केतु वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है यू आर टेकिंग इंजेक्शंस। अब ये किसी टाइप के भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इंजेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। ऑल्सो पास आउट होने का मतलब है बेहोश होना बहुत फ्रीक्वेंट है। कब? जब केतु मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है। तो मर्क्यूरी के ऊपर केतु का ट्रांजिट आपको पास आउट क्यों होने के लिए करता है, क्यों होना क्रिएट करता है? बिकॉज आपके जो माइंड में चलने वाली बिजली है दैट इज़ मर्क्यूरी, उसके ऊपर केतु चढ़ गया। केतु का मतलब होता है चादर, एज एन कवर करने का फंक्शन होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप थॉटलेस हो जाते हो। तो इस वजह से आपको फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स आएंगे जब केतु ट्रांजिट करेगा मर्क्यूरी के ऊपर। चलते चलते बेहोश हो जाओगे, चलते चलते फिट पड़ने के लिए भी कंडीशन होते हैं। अगर मर्क्यूरी केतु के साथ कंजंक्ट है आपकी बर्थ चार्ट में, तो ये एक फिट जो होता है, जो लोगों को फिट पड़ता है, तो ये उसका एक कंडीशन होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सारी कंडीशंस को एक साथ मिला के देखो कि हाँ, आपके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी कहाँ पॉजिटेड है, केतु कहाँ पॉजिटेड है, और वो मर्क्यूरी के ऊपर अपने से कितना चाल चल रहा है, ये बस इतना देख लेना है आपको। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूँ, स्किन पे प्रॉब्लम पड़ेगा, आपके नर्व्स पे प्रॉब्लम पड़ेगा, नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको, जैसे अल्जाइमर, किसी चीज़ को, हाँ, भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब भी मर्क्यूरी के ऊपर केतु चलेगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ो, भूल जाओगे उस चीज़ को। दो कंडीशन होती है, केतु जब चौथे स्थान पे चलता है और केतु जब मर्क्यूरी के ऊपर चलता है। चौथे स्थान का मतलब है नॉलेज जो आपके पास है सारा भूल जाओगे आप, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ था, उनको श्राप मिल गया था कि जाओ सब भूल जाओगे तुम। कर्ण के साथ हुआ था कि तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा।
वैसे ही मर्क्यूरी के ऊपर जब चलता है ना, तो जो नॉलेज है आपके पास उसका एप्लीकेशन आप भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप सपोज कारपेंटर हो, तो कारपेंटर का काम होता है बढ़ई का काम होता है लकड़ी का काम करने का। जब भी केतु चलेगा मर्क्यूरी के ऊपर, आप अपना काम भूल जाओगे कि कैसे करना है इसको, ये तो मेरे को आता था बट मैं भूल क्यों गया। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब केतु मर्क्यूरी के ऊपर ट्रांजिट करता है। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।